माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आ गई हूँ और आज का वीडियो एक पिक कार्ड रीडिंग है। आज का टॉपिक है कि आने वाले समय में आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आने वाला है, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं रिलेटेड टू योर करियर, लव, पर्सनल लाइफ। ठीक है, सारी चीज़ें हम आप देखेंगे, हम साथ में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, तो जो रेजोनेट करता है वो ले लीजिए, बाकी जाने दीजिए। ऑल्सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा न्यू चैनल है गाइस, ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं मेहनत करके आप लोग के लिए इतने सारे वीडियोस लाती हूँ ताकि आपको अपने लाइफ की क्लैरिटीज़ हमेशा मिल सके। अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, अगर आप चाहते हो आप अपने लाइफ के बारे में जानने के लिए, तो आप अपने पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी भी दे दिया है। ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पे अपने पर्सनल रीडिंग्स बुकिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखा है, पाइल नंबर 1 रेड फ्लावर, पाइल नंबर 2 ब्लू फ्लावर, पाइल नंबर 3 वाइट फ्लावर। तो वीडियो को थोड़ा देर पॉज कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपका अट्रैक्ट करता है वो आप चूज़ कर लीजिए। वीडियो के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। इंस्टा में मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा गाइस, ताकि आपको न्यू अपडेट्स हमेशा मिलती रहे, तो वहाँ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या फिर इस रेड फ्लावर को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, तो पाइल नंबर 1 देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। हमारे पास है डेथ, सिक्स ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ वॉन्स, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स और द सन। तो सबसे पहले मैं आपके साइंस बता देती हूँ, यहाँ पर स्कॉर्पियो है, फायर साइन है, एरीज, लियो, सैज, लियो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जेमिनी है, लिब्रा है, पाइसिस है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी है। ठीक है, और एयर साइन भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सारे साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये आपके सन, मून, राइजिंग, स्टार साइन या 12th हाउस चार्ट में किसी में भी हो सकता है। ओके, तो अब चलिए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके लाइफ में कोई एक साइकिल का एंडिंग हो गया होगा, या फिर वो अपने रिलेशनशिप में सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनका ब्रेकअप हो सकता है या सेपरेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उन्होंने पास में कुछ जॉब छोड़ दिया था, या फिर कुछ एक एंडिंग्स आपके लाइफ में हो चुकी है इस टाइम। ठीक है, और मुझे लग रहा है आप इस टाइम पे शायद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, या फिर आप जिस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो उस पोजीशन पे आप कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, आप में एक अनस्टेबिलिटी एंड डिससेटिस्फैक्शन वाली एनर्जी इस टाइम मुझे दिख रही है। ओके, एंड बट मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है धीरे धीरे, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है इन फ्यूचर। ठीक है, मुझे गुड न्यूज़ में ये दिख रहा है कि आपको इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। अगर आप न्यू रिलेशनशिप देख रहे हो या फिर कमिटमेंट चाह रहे हो किसी से, तो आपको मिल सकता है। ठीक है, एंड अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसमें भी सक्सेस मिलेगा। ओके, मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली आप लोग के लाइफ में हो रही है, बिकॉज आप लोग शायद इस टाइम पे स्पिरिचुअल हो रहे हो एंड आप इस दुनिया की, अपनी लाइफ की असली सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि मे बी आप लोगों को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि स्पिरिचुअलिटी और अपने आप को जानने में कितना इंटरेस्ट एंड कितना इम्पोर्टेंस होता है उस चीज़ का। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इस टाइम पे स्पिरिचुअल हो रहे हो एंड आप लोग हर एक चीज़ को बैलेंस करना चाहते हो। ठीक है, अपने अपने इनर सेल्फ को भी और अपने आउटर सेल्फ को भी, दोनों को आप परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप कुछ ना कुछ चीज़ों को एंड करके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी आप उससे मूव ऑन हो चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी। अगर आप लोग किसी चीज़ में स्टक हो, ठीक है, मुझे स्टकनेस उतना नहीं दिख रहा है, आप लोग पहले से बहुत ज़्यादा हील हो गए हो। ठीक है, जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स थी आप लोग पहले से बहुत ज़्यादा हील हो गए हो। ठीक है, एंड आने वाले फ्यूचर में आप पूरे तरीके से हील हो जाओगे। ठीक है,
तो ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होगी एंड हो सकता है कि आप लोग इन फ्यूचर आप लोग बहुत सारे लोगों को हील करो, ठीक है, बहुत लोग आपको फॉलो करें, आप लोग लीडरशिप पे जाओ, ठीक है, एक लीडर बनो, लोगों को हेल्प करो, या फिर टीचिंग जॉब्स वगैरह में हो सकते हो, बट किसी न किसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करोगे इन फ्यूचर, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप हीलर हो सकते हो इन फ्यूचर, लाइट वर्कर हो सकते हो, ठीक है, या नॉलेज दे सकते हो लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग आपको इन फ्यूचर फॉलो करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, ओके, एंड बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे दोस्ती बढ़ाना चाहेंगे इन फ्यूचर। एंड अगर कोई भी फैमिली इश्यूज़ चल रही हैं आप लोग के लाइफ में इस टाइम पे, तो वो ख़त्म हो जाएगी, ओके। अगर फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस चल रहा है तो वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है, और बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, ठीक है। अगर आप लोग बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी जॉब का वेट कर रहे हो, या किसी लव लाइफ का वेट कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है आपको कोई ना कोई पर्सन अप्रोच करने वाला है, ओके, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने वाली है और आपको सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे द सन है, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, अबंडेंस आएगा, ठीक है। जो चीज़ों को आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलेगी, और जो भी आप जो भी चीज़ों से अभी निकल गए हो, ठीक है, जो भी अपने पास को जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, जो आप उससे मूव ऑन हो चुके हो, वही चीज़ आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। उसके वजह से आप अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को दूर करने की पूरी तरह कोशिश कर रहे हो, जिसके वजह से आपके लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो गई है, और इन फ्यूचर आपको हर एक तरह का अबंडेंस अपने लाइफ में मिलने वाला है, ठीक है। आप जो अपने लाइफ में इंजॉयमेंट चाहते थे, आप जो भी मन में पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको सब नसीब होने वाला है इसमें, ठीक है। आपके लाइफ में और भी बहुत सारी चेंजेस आने वाली है इन फ्यूचर, मुझे ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि इस टाइम पर आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप मे भी बहुत नॉर्मली कैजुअली अपने लाइफ को बिता रहे हो, बट इन फ्यूचर मुझे लग रहा है आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, और अनएक्सपेक्टेडली चेंज होने वाली है, ठीक है, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और मुझे लग रहा है आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होने वाले हो इन फ्यूचर, एंड अभी भी थोड़ा थोड़ा आप इंटरेस्ट ले रहे हो ये सब में, ठीक है, आपको बहुत कुछ जानने का इच्छा हो रहा होगा, क्यूरोसिटी हो रहा होगा, ओके, एंड आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ढूंढ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको इस टाइम पे थोड़ा होप नहीं मिल रहा है, फिर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई केयर नहीं कर रहा है आपका, ओके, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ओके, इस टाइम पे आपको ऐसा लग सकता है। बट इन फ्यूचर मुझे लग रहा है आप अपने ही खुद के साथी हो, एंड आप अपने आप ही लाइफ में आगे बढ़ोगे एंड बहुत कुछ गेन करोगे, उसके बाद लोग आपके पीछे आएंगे, आपको फेम मिलेगा, आपके फॉलोअर्स होंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपको अप्रोच करना चाहेंगे, ठीक है, एंड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, पैसों की कमी नहीं होने वाली है, ठीक है, खुशी आने वाली है हर तरफ से, ओके। मुझे लग रहा है जो लोग सेपरेशन में हो सकते हैं उनके पार्टनर उन्हें कांटेक्ट करें, उनके पास वापस आएँ, या फिर जो लोग सिंगल हो या मूव ऑन कर चुके हो अपने पास से, हो सकता है उनके लाइफ में दो तीन लोग अप्रोच करने आ जाए, दो तीन न्यू पर्सन्स आ जाए, ओके। पर डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने वाले हो इन फ्यूचर, अगर मैं करियर वाइज बताऊँ, ठीक है, फैमिली से आपको प्यार मिलने वाला है, एंड आपके लाइफ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हो, ठीक है, आपके इनर सेल्फ में आप शायद इस टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एंड इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, ये मेरे मैंने पहले से निकाल के रख लिए थे, तो अब मैं देख लूँगी। सबसे पहले हैव फेथ, ठीक है, तो आपको फेथ रखना है, आपको फेथ रखना है, ठीक है, विश्वास नहीं हारना है, फिर है स्टे स्ट्रांग, ठीक है, आप स्ट्रांग रहें, एंड डेफिनेटली आप लोग स्ट्रांग हो इस टाइम पे, ओके, मुझे किसी चीज़ का नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है, बस आप लोग थोड़ा सा इनस्टेबल हो अपने लाइफ में, ओके, कुछ क्राइसिस आपके लाइफ में चल रही है, वो लव लाइफ हो या करियर वाइज हो कुछ भी, फिर है एंजल्स आर देयर टू सपोर्ट यू, ओके, डेफिनेटली एंजल्स आप लोग के साथ हैं, ठीक है, इसी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दे पा रहे हो, अपने आप को जान पा रहे हो, ठीक है, आप सही में क्या चाहते हो ज़िंदगी से वो आपको जानने मिल रहा है, और वो क्यों जानने मिल रहा है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। फिर है हार्ड वर्क एंड फोकस विल ब्रिंग यू सक्सेस, तो डेफिनेटली हार्ड वर्क आप करते रहें, बिल्कुल हाल ना छोड़े, सक्सेस आपके बहुत नज़दीक है। फिर होप फॉर द बेस्ट, हमेशा आप पॉजिटिव चीज़ें को मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में, ओके, क्योंकि आप जैसे ही पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, जैसे ही अपने लिए पॉजिटिव चीज़ों को सोचोगे, पास्ट में जो भी नेगेटिविटीज़ है उनके बारे में नहीं सोचोगे, वैसे आपकी लाइफ में ना पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होने लगेंगी, ओके, ये मेरा एडवाइस था, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। तो बिल्कुल आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, तो डेफिनेटली आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। फिर चेंजेस आर कमिंग, जैसे मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, चेंजेस तो डेफिनेटली होने वाले हैं आपके लाइफ में बहुत कुछ,
फिर है फोकस इज़ द की, फोकस बनाए रखें, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट ना होए किसी चीज़ में। अगर आपने किसी चीज़ को करना है करियर वाइज हो या कुछ हो, तो आप उसे ठान लें और करते रहें। फिर है नो योर वर्थ, कि अपने वर्थ को जाने, ठीक है, आप जितना डिज़र्व करते हो उससे किसी भी तरह के कोई कम चीज़ पे आप सेटल मत होना, ठीक है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप ऐसा मत सोचना कि आप वर्थ इट नहीं हो और आपको कुछ मिल नहीं सकता, डिज़र्विंग नहीं हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओके। टाइम के साथ साथ सब चेंज होता है, तो आपके लिए जो बेस्ट होगा वही करो। फिर है रिस्पेक्ट योर चॉइसेस, ठीक है, अपने चॉइसेस को रिस्पेक्ट करो। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपने चॉइसेस पे रिस्पेक्ट करो, और सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, अगर आप लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे आते हैं और अच्छे तरीके से आपकी लाइफ चेंज होती है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या फिर इस ब्लू फ्लावर को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। तो पाइल नंबर 2 देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, द स्टार, द हैंग्ड मैन, टू ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, थ्री ऑफ कप्स और द एम्प्रेस। सबसे पहले मैं आपके साइंस बता देती हूँ, एक्वेरियस है, वर्गो है, जिमिनाई है, फायर साइन है, एरिस, लियो, सैज, और एयर साइन भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जिमिनाई। ओके, जिमिनाई बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ओके, लिब्रा भी है, वर्गो भी है, ओके, और एरिस, लियो, सैज तो है। तो मुझे लग रहा है इस टाइम पे आप हैंगमैन की पोजीशन पे हो, पाइल नंबर 2। मुझे लग रहा है कि आप लोग एक परफेक्ट डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्टक हो सकता है। कुछ कुछ लोग जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ओके। एंड ये भी हो सकता है कि आपको क्लैरिटीज़ हैं अपने लाइफ में, ओके, सारे चीज़ों को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेके, अपने पर्सनल लाइफ को लेके, कि क्या सही है क्या गलत है, आपको सारी चीज़ें पता है अच्छे से, ठीक है, कि क्या करना है नहीं करना है, लेकिन देन आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपको पता सब है कि क्या आप करोगे तो आपके लिए सही होगा, या फिर कौन कौन चीज़ों से आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन स्टिल आप फंसे हुए महसूस करते हो, मतलब आप चाहकर भी उस डिसीजन पे एक्शन नहीं ले पाते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ओके, प्रेयर्स कर रहे हो, एंजल्स को अपने हेल्प के लिए बुलाते भी हो गए आप कोई कोई लोग, ओके, एंड अपने लाइफ में आप बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप अपने लाइफ में अपने करियर को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने लव लाइफ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, एंड आपको किसी एक चीज़ का वेट है जो आपको बहुत सालों से या बहुत दिन से नहीं मिल पा रहा है, ओके। मुझे लग रहा है मे भी हो सकता है कि आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हो जिससे आपको निकलने का मन कर रहा है, लेकिन स्टिल आप नहीं निकल पाते हो, ठीक है। मे भी हो सकता है आपके पास दो करियर ऑप्शंस हो और आपको समझ नहीं आता होगा कि किस तरफ आपको जाना है, ओके, ऐसी मुझे चीज़ें लग रही है, बट कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो, ओके, एंड आपको समझ नहीं आता है कि आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा भी नहीं, मिलेगा या नहीं, ठीक है, लव लाइफ आपकी हैप्पी वाली होगी कि नहीं, ऐसा हो सकता है, ओके, बट मुझे लग रहा है कि इन फ्यूचर आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, करियर वाइज हो या कुछ हो, आपको एंजल्स प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए हार्डवर्क करते रहना है, ठीक है, हार्डवर्क करते रहना है और पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं, उन्हें चाहिए कि थोड़ा जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, ठीक है, थोड़े से इम्पेशेंट हैं, बट आप लोगों को पेशेंस रखना है, हार्डवर्क करना है, ठीक है, क्योंकि एंजल्स ये प्रॉमिस कर रही हैं आपसे कि अगर आप हार्डवर्क करोगे तो उसका फल वो आपको ज़रूर देंगे, ओके, एंड आप लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो और इस टाइम पे आप शायद बहुत कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो आपको हर एक चीज़ की नॉलेज मिले, एंड बहुत से लोगों के मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, बहुत से लोगों को बहुत कुछ असलियत पता चल रही है, ठीक है, जो भी झूठे चीज़ों में, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे थे,
वो सबसे वो निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, एंड कुछ कुछ लोग तो निकल भी रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, ब्लॉक कर दिया हो, या बात नहीं कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया है, ठीक है, इसको अब और भी नहीं कर सकते, सेचूरेट हो गया है पूरा, तो अब निकलना चाह रहे हो। आप बहुत दिन से किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आप कहीं कभी कभी हार्डवर्क तो करते हो, बट कभी कभी आपके माइंड में थॉट्स आते हैं कि आप सक्सेसफुल होगे भी या नहीं, ओके, आपके लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है, कैसे चीज़ों को प्लानिंग करनी है, वो सब चीज़ में आप फंस जाते हो। बट इन फ्यूचर मुझे लग रहा है अगर आप लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पार्टनर आने वाला है जिसको आप बहुत सालों से, बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक रियल लवर जिसे हम कहते हैं, वो आपके लाइफ में आने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हो और मूव ऑन कर चुके हो अपने पास से, या फिर अगर जो लोग रिलेशनशिप में हो और कुछ सही चीज़ें नहीं चल रही है तो उनकी सही चीज़ें होने लगेंगी, ठीक है। कमिटमेंट मिल जाएगा उन लोगों को, ठीक है, चीज़ें स्ट्रांग होंगी, कनेक्शन स्ट्रांग होगा। एंड इन फ्यूचर मुझे लग रहा है आप लोग जो भी अपने करियर वाइज बहुत ज़्यादा वाइज हो जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर जाने वाले हो, ठीक है, एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाने वाले हो, अगर किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें सक्सेस मिल जाएगा, सेलिब्रेट करोगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, ठीक है, आपकी लाइफ इंजॉयबल होगी, ओके, इन फ्यूचर। एंड मुझे लग रहा है आपके पास सब कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि पाइल टू जिन्होंने चूज़ किया है, नो मैटर वो बॉय हो या गर्ल हो, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लोगों के लिए सोचते हो, लोगों की केयर करते हो, बट इन रिटर्न आपको उतना कुछ नहीं मिलता है, तो आप डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हो एंड आपको समझ नहीं आता है। पता आपको सब कुछ है कि क्या सच्चाई है, या फिर लोग से आपको कोई मतलब नहीं है, लोग आपको कभी कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको सब कुछ पता है, बट स्टिल आप थोड़े नेगेटिविटीज़ में पहुंच जाते हो, ठीक है, स्टक फील करने लग जाते हो। लेकिन आपको एंजल्स कहते हैं कि आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है, वो आपके साथ हैं और आपको वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि डेफिनेटली आप जो भी सक्सेस चाह रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, जिस भी लाइफ में हो, सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है, लव में हो, करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, सब में। एंड यहाँ पे किसी किसी लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, सबके लिए नहीं, किसी किसी लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कंसीव करना चाह रहे हो, ठीक है, मैरिज के बाद जो नहीं हो रहा था तो बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलिटी का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि किसी किसी लोग का ऐसा हो, ठीक है, कोई कोई लोग हो सकता है कंसीव कर सकते हो आप लोग अगर चाह रहे हो, ठीक है, इन फ्यूचर बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। या फिर जो लोग थोड़ा सेपरेशन में हो मैरिज में, उन लोग साथ आ सकते हो, ठीक है, फिर से, एंड फिर आप लोग की बेबी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, किसी किसी लोग के लिए बोल रही हूँ। और एल्स बाकी बहुत अच्छा है, ठीक है, आप लोग ऐसे ही नॉलेज गेन करते रहो, ठीक है, ट्रस्ट करते रहो सिचुएशन पे, डिवाइन पे, एंड क्लैरिटीज बना के रखो, ठीक है, क्योंकि पावर आपके पास है, आपके पास पूरा पावर है कि आपके अपने अपने लाइफ में आपको क्या करना है और किस तरफ जाना है और क्या सही रहेगा आपके लिए, ठीक है, पूरा पावर आपके पास ही है, ठीक है, एंड आपको भी पता है ये चीज़, बट आप अमल नहीं कर पा रहे उस चीज़ में, ठीक है। हमें भी हो सकते हैं कोई कोई लोग यहाँ पे थोड़ा लेज़ी भी है थोड़ा लेज़ी भी हो आप लोग, ठीक है, तो आप लोग ऐसे हार्डवर्क करते रहो, डेफिनेटली आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको सब कुछ मिलने वाला है, एक अच्छा पार्टनर मिलने वाला है, एक अच्छी लाइफ मिलने वाली है, ठीक है, एक अथॉरिटिव पोजिशन मिलने वाला है, ठीक है, सब कुछ मिलने वाला है। बस एक चीज़ मैं बोलूँगी कि आप जैसे भी हो, किसी दूसरे के लिए या फिर किसी नेगेटिविटीज़ के लिए या किसी पास्ट एक्सपीरियंसेस के लिए अपने आप को कभी चेंज मत करो, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पाइल टू जिन्होंने चूज़ किया है वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, ठीक है, वो बहुत लोगों की केयर करते हैं, ठीक है, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, अपने फैमिली के बारे में भी सोचते हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि उनको वैसा प्यार वैसा सपोर्ट कोई नहीं करता, लेकिन वो सबके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप लोग कभी भी अकेले नहीं हो, आप लोग के साथ डिवाइन है, भगवान है, एंजल्स हैं, जो आपकी हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा आपके साथ देते हैं, वो हमें समझ नहीं आता है लेकिन वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो आप जैसे भी केयरिंग लविंग हो, आप हमेशा वैसे ही रहो और अपने ऊपर ध्यान दो और अपने करियर पे फोकस करो एंड मैनिफेस्ट करते रहो, हार्डवर्क करते रहो, सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। पाइल टू, तो लिख देते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं। सबसे पहला है चूज़ द राइट पाथ फॉर यू, ओके, तो यहाँ पे देखो आप लोगों के पास दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, करियर में। मे बी आप लोग करियर में थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हो सकते हो कि किस तरफ जाना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम, कौन सा फील्ड, कौन सा करियर परस्यू करना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा आप नॉलेज गेन करो, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में, फिर थोड़ा देखो कि कौन सा सही है, कहाँ जाओगे तो सक्सेस मिल सकते हैं, कहाँ जाओगे तो आपके लिए बेटर हो सकता है, फिर सही रास्ता सही ऑप्शन चूज़ करो। फिर है पेशेंस, देखो मैंने पहले ही कहा फिर पेशेंस का कार्ड आया, तो पेशेंस रखना है, ठीक है, हार नहीं मानना है, पेशेंस रखो,
सब होगा फिर यू कैन डू इट। जैसे मैंने कहा कि सब कुछ पता है आपको, डिसीजन है, बट स्टिल स्टक हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन होगा, करोगे तभी होगा। ठीक है, सोचने से नहीं होता है, अगर किसी चीज़ को सोच रहे हो तो उसके लिए करना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ हासिल होती है। फिर है बी कंसिस्टेंट अबाउट योर थाट्स, तो आपको अपने थाट्स में कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, मतलब जो एक बार सोच लिए उसी पे अमल रहना है, ये नहीं कि थाट्स चेंज करते रह रहे हो, एक बार नेगेटिव सोच रहे हो पॉजिटिव सोच रहे हो, अगर कोई चीज़ करने का सोच रहे हो तो उसे उसी करो, ठीक है, उसी फॉलो करो। फिर है स्टे फोकस्ड, तो आप लोग मे बी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है, बहुत कुछ आप लोग के दिमाग में बहुत कुछ चलते रहता है, ठीक है, तो वो सबसे आप थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करो, थोड़ा मेडिटेशन करो या फिर थोड़ा देर भगवान को पूजा वगैरह करो, ठीक है, थोड़ा प्रे करो, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन हट जाएंगे माइंड से, ठीक है, माइंड बहुत काम हो जाएगा। तो पाइलचू ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, अगर पसंद आई है रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइलचू। हेलो पायल नंबर 3, जिन्होंने भी पायल नंबर 3 या फिर इस व्हाइट फ्लावर को चूज किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। पायल नंबर 3 देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। हमारे पास है जजमेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स और टेन ऑफ कप्स। तो हमारे पास है फायर साइन एरीज लियो सैज, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन और एयर साइन भी है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। तो मुझे लग रहा है इस टाइम पे आप लोग पाइल नंबर 3 अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजर्व कर लियो, ठीक है, मे बी पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके कुछ अच्छे नहीं थे एंड बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जिससे आप अपने ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लिए हो एंड आप फियर में हो, डरे हुए हो, ठीक है, कुछ करना नहीं चाहते, एक्सपेरिमेंट्स करने से डरते हो, थोड़ा रिस्क लेने से डरते हो, या बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्टेड एंड कंजर्व्ड कर लियो अपने आप को, ओके। एंड मे बी आप ऐसी जगह पे इस टाइम में हो सकता है, आप अपने फैमिली के साथ हो या किसी रिलेशन में हो या मैरिड हो या किसी भी आप एक सिचुएशन में हो इस टाइम जिसको आप छोड़ के मूव ऑन करना चाहते हो, उस चीज़ों से निकलना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो एंड आप उस सिचुएशन से खुश नहीं हो, ठीक है, आपको समझ नहीं आता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, बहुत नेगेटिविटीज़ है आपके सराउंडिंग्स में जिससे आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो। बट मैं बता दूं एंजल्स आपके साथ हैं, जजमेंट एंजल्स का कार्ड है, ठीक है, एंजल्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपको गाइड करते हैं, हो सकता है कि आपको एंजल्स नंबर दिखते होंगे, ठीक है, या फिर आपको कहीं कहीं फील होता होगा कि एंजल्स आपके साथ हैं, सिंक्रोनिसिटीज मिलती होंगी इन फ्यूचर। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आने वाला है, ठीक है, हो सकता है अगर आप लोग सिंगल हो या सेपरेशन में हो तो आपके लाइफ में कोई एक पार्टनर आने वाला है या फिर कोई इंसान आने वाला है जो आपकी लाइफ में आपको अपने आपके लाइफ में अबंडेंस से भर देगा, प्रॉस्पेरिटी से भर देगा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है लव लाइफ में। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं करियर में बात करूँ तो मुझे लग रहा है इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो सारे अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए बहुत कुछ नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि आप थोड़ा निकलो, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने की बहुत ज़रूरत है, आप थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकले, थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करें अपने करियर रिलेटेड, अपने फील्ड रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपको सक्सेस मिल सके। हो सकता है आप दो चीज़ों में जगलिंग कर रहे हो, मे बी अपने फैमिली और करियर में या फिर अपने लव लाइफ करियर में, ठीक है, आप इस टाइम बिल्कुल हैप्पी नहीं हो, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड कर लियो अपने आप को, ठीक है, आप किसी से कुछ कहना नहीं चाहते, किसी को कुछ शेयर नहीं करना चाहते एंड आपको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या होगा, आप बस इंफॉर्मेशन गेन करते हो एंड स्टिल देन आप कुछ उसके लिए वर्क नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बट 20% के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ट्राई भी कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अबंडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन फ्यूचर मुझे लग रहा है कि आपको जैसे ही आप अपने कम्फर्ट जोन से निकलोगे, एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तरह तरह जगह में ट्राई करोगे, ठीक है, अपने करियर के लिए फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान दोगे, थोड़ा सा सेविंग्स करोगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, जो आपकी अभी इस टाइम पे लाइफ चल रही है वो चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि एंजल्स पूरे आपके साथ है, ठीक है, आपको एंजल्स गाइड करते हैं हमेशा से,
आपके लाइफ में कोई एक पार्टनर भी आ सकता है, जो लोग सिंगल हो या सेपरेटेड हो, या आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। आपको यहाँ पे इन्फिनिटी साइन भी है, तो आपको हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। और जो हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगी वो लाइफ टाइम के लिए आएगी, ठीक है, ये नहीं कि टेम्पोररी है, कुछ दिनों के लिए है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हो या फिर किसी रिलेशनशिप में हो, तो वह कमिटमेंट की तरफ जा सकता है। आप लोग मैरिज हो सकता है बहुत लोग का, ठीक है, जिन्होंने पाइल थ्री चूज़ किया है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, सेपरेटेड हो, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए और आप लोगों का रियूनियन हो जाए, एंड देन आप लोग फिर से एक हैप्पी लाइफ साथ में बिताओ, ठीक है। और एल्स करियर वाइज आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है, ठीक है। आपको किसी पैसों की कमी नहीं होगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत लग्जेरियस लाइफ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जिस भी पोजीशन पे आप इस टाइम पे हो, उससे आप आगे निकल जाओगे इन फ्यूचर, ठीक है। गुड न्यूज़ मुझे ये लग रहा है कि एंजल्स आपको कंटिन्यूसली बताना चाहती है, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको एंजल्स नंबर दिखते हो, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती हो, जिसे आपको एंजल्स बताना चाहती हो कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए अपने लाइफ को लेके, ठीक है। आप इस टाइम रिजर्व मत रहो, ठीक है, अपने से ही अपनी सच्चाई को मत छुपाओ, ठीक है। लोगों से इंटरेक्ट करो, ठीक है, पास से मूव ऑन हो जाओ, मूव ऑन हो भी होने की ट्राई भी कर रहे हो, ठीक है, निकलने की कोशिश भी कर रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा आगे बढ़ो, ठीक है। एंड अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, ठीक है, अपने हार्ट को ओपन करो, ठीक है, क्योंकि जो होगा उसे नेचुरली अनफोल्ड होने दो। एंड बाकी मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि येलो कार्ड्स भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, तो हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आएगी। और जो इस टाइम पे आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते हो, रिजर्व फील करते हो, ठीक है, थोड़े डरे हुए रहते हो, वो सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। हैप्पीनेस आएगा आपके लाइफ में, ठीक है, एक स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबल हो जाओगे आप अपने लाइफ में इन फ्यूचर में, एंड बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको थोड़ा ध्यान देना है कि एंजल्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे आप दो चीज़ों में जगल कर रहे हो, आप डरे हुए हो, आपको फियर्स हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आता है कि करना चाहिए कि नहीं, तो एंजल्स आपको पूरा गाइड करेंगे, ठीक है, एंड आपको कर भी रहे होंगे। अगर किसी किसी ने नोटिस किया है, ठीक है, वो अंदर से सोचते होंगे, उन्हें ज़रूर पता होगा, और आप लोगों ने किया होगा ये एक्सपीरियंस या फील किया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले बिगिन फ्रॉम समवेयर, जैसे मैंने कहा, कहीं से शुरुआत करो आप, क्योंकि आप लोग इस टाइम कन्फ्यूज हो, जगलिंग कर रहे हो आप, और आपको मेन बात है कि डर है किसी चीज़ का, ठीक है, तो स्टार्ट करो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स करो, कहीं से शुरुआत करो, फिर है कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करो, फिर है वर्क हार्ड कीजिए, फिर है मोटिवेशन इज़ द की। तो हो सकता है आप लोग के पास अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा लो फील करते हो आप लोग, थोड़ा सा मोटिवेशन लीजिए, हो सकता है तो कहीं किसी से थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो आप लोग, ठीक है, फ्रेंड से, अपने फैमिली से, या फिर कोई किसी एल्डर से, या फिर हमारे जैसे टैरो रीडर्स से, जो भी आपको थोड़ा एडवाइस दे सके, आपको हील कर सके, आप ले सकते हो उनकी मदद। फिर है हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओ माय गॉड, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, थोड़ा हेल्प आप ले सकते हो, ठीक है, आप डरे मत, ऐसा नहीं है कि कोई आपके साथ नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी से हेल्प भी नहीं लेना चाहते हैं, तो एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। फिर है ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप को विश्वास करिए। फिर है विजडम, तो आप थोड़ा नॉलेज गेन करें, ठीक है, इन्फॉर्मेशंस गैदर करें, ठीक है, थोड़ा विजडम लाएं अपने अंदर, वाइस नॉलेज लाएं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लें, उन पे ट्राई करें, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करें, पढ़ाई करें उनके ऊपर, ठीक है। बाकी सब कुछ इन फ्यूचर अच्छा दिख रहा है मुझे, यहाँ पे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जो आपने अपने आप को रिजर्व कर रखा है, हर चक्र को ब्लॉक कर रखा है, उससे आपको खुलना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपने कम्फर्ट जोन से, जो भी आप फंसे हुए उससे निकलना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीज़ें अच्छे से होने लगेंगी, ओके। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 3।